ऑल राइट, तो आज हमारे पास आए हुए हैं फायरबोल्ट के लेटेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स फायरबोल्ट फायरबॉड्स निंजा 601। तो इसकी लॉन्चिंग प्राइस होने वाली है 1000 रुपए। डिस्क्रिप्शन में आपको परचेस लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली गेमिंग सीरीज है फायरबोल्ट की, गेमिंग को ध्यान में रखे ईयरफोन्स बनाए गए हैं, मतलब लेटेंसी आपको इसमें काफी कम मिलने वाली है नॉर्मल ईयरफोन से। तो अगर आप भी 1000 रुपए के अंदर गेमिंग सेंट्रिक ईयरफोन लेने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो बॉक्स में फायरबोल्ट फायरपॉड्स निंजा 601 की ब्रांडिंग है, कूल ब्रेथिंग लाइट्स का इसमें सपोर्ट है, राइट लेफ्ट एंड पीछे के बटन्स के फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिसके ऊपर आगे हम करेंगे डिटेल में बात। प्राइसिंग मेंशन की गई है 4499 रुपए। तो अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स में सबसे पहले है टाइप सी केबल इसको चार्ज करने के लिए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर कैप्स तो अपने साइज के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंड दो कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। टोटली ये प्लास्टिक में आता है, मैट फिनिश इसके ऊपर दी गई है तो फिंगरप्रिंट वगैरह इसमें आसानी से नहीं आएंगे। फ्रंट पार्ट में फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है एंड फायरबोल्ट के नीचे के पार्ट से थोड़ा सा खुला हुआ है जिससे आप इसके अंदर के ईयरबड्स को देख सकते हो। फ्रंट पार्ट में एलईडी लाइट का सपोर्ट है इसमें, पीछे के पार्ट में दिया गया है टाइप सी पोर्ट को चार्ज करने के लिए। लिड भी मैग्नेटिक है तो आराम से ओपन क्लोज हो जाती है, दोनों ईयरफोन्स कम निकाल लेते हैं बाहर। ईयरबड्स भी टोटली आते हैं मैट फिनिश में एंड एंगल्ड है तो कानों में आपको फिटिंग काफी अच्छी इसकी मिलने वाली है। पीछे के पार्ट में फायरबोल्ट का लोगो है, यहाँ पे इसका टच सेंसिटिव एरिया भी है। ब्रेथिंग एलईडी लाइट का भी इनमें सपोर्ट है, फाइबर ग्रिल यहाँ पर दी गई है, मेटल की होती तो और भी बेटर रहता। वेट हम चेकआउट कर लेते हैं, सिंगल ईयरफोन का वेट है तकरीबन 5 ग्राम, विद चार्जिंग केस तकरीबन 43 ग्राम। तो ईयरफोन्स आते हैं 10 mm के ड्राइवर्स के सपोर्ट के साथ, दोनों ईयरफोन्स आते हैं 30-30 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ, दोनों में आपको तकरीबन 5 आवर तक का प्लेबैक टाइम मिल सकता है नॉर्मल यूजेज में। चार्जिंग केस आता है 300 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ, चार्जिंग केस से आप ईयरफोन को तकरीबन 4 से 5 बार और चार्ज कर सकते हो। टोटल प्ले टाइम यहाँ पे हो जाता है 24 आवर तक का, IPX5 रेटेड है तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश एंड स्वेट से इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड कनेक्टिविटी के लिए इसमें दिया गया है ब्लूटूथ 5.2। तो अब इसको अपने फोन के साथ पेयर करके हम चेकआउट कर लेते हैं। तो इसमें कंपनी ने फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट प्रोवाइड किया है जिसको कंपनी सुपर सिंक बोलती है। तो जैसे आप इसके लीड को ओपन करेंगे ये पेयरिंग मोड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे गेम पॉड्स निंजा 601 लिखा हुआ चुका है, इसमें हम कर देते हैं क्लिक पेयर। ओके, तो ईयरफोन्स पेयर हो चुके हैं, साथ ही अब ईयरफोन्स का बैटरी लेवल भी चेकआउट कर सकते हो अपने फोन पे। एंड कंपनी ने इसमें एसी कोडेक का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है, तो अगर आप हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो ऑन, बट एसी कोडेक मेनली होता है आईफोन्स के लिए, तो अगर आप एंड्रॉइड में इसको यूज करते हो तो कंपैटिबिलिटी इशू आपको फेस हो सकता है। तो अब इसकी टच फंक्शनैलिटी को हम चेकआउट कर लेते हैं। तो किसी भी ईयरफोन में सिंगल टैप करके आप प्लेन पॉज कर पाओगे, राइट में डबल टैप में नेक्स्ट, लेफ्ट में डबल टैप में प्रीवियस, वॉल्यूम अप के लिए राइट ईयरबड में आपको टच एंड होल्ड करना है, वॉल्यूम डाउन करने के लिए आपको लेफ्ट में टच एंड होल्ड करना है, वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको लेफ्ट ईयरबड में ट्रिपल टैप करना है, गेम मोड ऑन करने के लिए आपको राइट ईयरफोन में ट्रिपल टैप करना है, कॉल रिसीव एंड रिजेक्ट करने के लिए आपको किसी भी ईयरफोन में सिंगल टैप करना है। तो अब इसका लेटेंसी टेस्ट भी हम कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ईयरफोन्स के साउंड आउटपुट की। तो साउंड इसका मुझे काफी बैलेंस्ड लगा, मतलब कोई भी फ्रिक्वेंसी मुझे ओवर बूस्टेड इसमें नहीं लगी। सबसे पहले अगर बेस की बात की जाए तो बेस इसका मुझे काफी डिसेंट लगा। जैसे आप फायरबोल्ट का ईयरफोन यूज करोगे तो उसमें आपको काफी हैवी बेस सुनने के लिए मिलेगा, बट इसमें आपको हैवी बेस फील नहीं होगा, बेस इसका आप नॉर्मल बोल सकते हो। हाइज भी इसके डिसेंट है, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, डिसेंट सा परफॉर्म करते हैं। एंड जो मिड्स हैं यानी वोकल्स वो इसके ठीक है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक परफॉर्म करता है ईयरफोन। बट हाँ, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ओवर बूस्टेड नहीं है, बट साउंड क्वालिटी में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फर्क लगा। कई बार इसकी साउंड काफी मफल्ड सुनाई देती है, मतलब फ्रिक्वेंसी एक दूसरे को ओवरलैप इसमें करती रहती है एंड म्यूजिक सुनने में उस समय उतना मजा नहीं आता है, तो ये भी इसमें थोड़ा सा इशू मुझे फेस हुआ। तो बेसिकली गेमिंग को ध्यान में रख के बनाए गए हैं एंड जो इनका साउंड प्रोफाइल मुझे लगा गेमिंग जैसा ही लगा, मतलब अगर म्यूजिक आप इसमें सुनते हो तो उतना मजा आपको नहीं आएगा जितना आपको गेमिंग करने में आएगा। तो लेटेंसी यहाँ कंपनी बोलती है 38-40 ms के आसपास एंड मुझे तकरीबन उतनी ही लेटेंसी इसमें देखने के लिए मिली, तो गेमिंग में काफी सही परफॉर्म करते हैं ईयरफोन। एंड गेमिंग टेस्ट भी हमने इसमें किया जो आपने
ऑलरेडी देखा। तो अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, नॉर्मल डे टू डे गेमिंग करते हो, तो आपको लेटेंसी उतनी फील नहीं होगी, काफी मजा आपको गेमिंग में आने वाला है। बट अगर आप एक प्रो लेवल की गेमिंग करते हो तो हल्की सी लेटेंसी आपको इसमें फिर भी फील होगी। इसमें फायरएक्स टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया है कॉलिंग एक्सपीरियंस को और भी बेटर करने के लिए। तो अब इसका एक माइक टेस्ट हम कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कैसा है, परफॉर्म करता है। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हैं इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, बाय डिफॉल्ट राइडोली एयरफोन का माइक्रोफोन यूज करता है। मेरा रूम अभी टोटली साइलेंट है, साइलेंट रूम में कैसा इसका माइक आउटपुट आपको मिलने वाला है आपको पता चल रहा होगा। फैन भी मैंने ऑन कर दिया है एंड विंडी सिचुएशन में कैसा आपको इसका माइक आउटपुट मिलेगा आपको पता चल रहा होगा। आपको इसका माइक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अब इन द लास्ट बात है कि आपको ईयरफोन्स को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो 1000 रुपए के हिसाब से ईयरफोन्स काफी ठीक है, हालांकि म्यूजिक थोड़ा सा मफल्ड आता है इसका। बट अगर आप गेमिंग के लिए इसको लेने की सोच रहे हो, लुक वाइज आपको थोड़ा सा बेटर ईयरफोन चाहिए, फास्ट पेयरिंग फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ईयरफोन्स 1000 रुपए के हिसाब से काफी ठीक है। बाकी आप कमेंट में बताओ कि आपको ईयरफोन कैसे लगे एंड अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं ईयरफोन से रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, सपोर्ट दिखाओ मैं अपना। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।